सब जगह पे हमने पहुंचने की कोशिश की है, जहां पे इस जल रास्ती के दौरान लोगों के घर तबाह हो गए, ध्वस्त हो गए, और या दूसरे नुकसान जो है पेश आए हैं। और कांगड़ा में जो हमने टोटलिटी में देखा कि लगभग एक ही पैटर्न पे ये नुकसान हुआ है कि पहाड़ियाँ, पहाड़ जो है हमारे धंसे हैं, दरके हैं, या जिनको आप सिंकिंग कहते हैं, तो वो हर जगह सामने आया है। और कई स्थानों में तो जैसे हम सुला में कल गए थे, जिस ढंग से वहाँ पे नुकसान हुआ, ऐसा था कि जैसे धरती फट गई हो और वो सारे मकान जो है धराशायी हो गए। तो लोगों ने बहुत पीड़ा का समय देखा, बहुत कष्ट का समय देखा, और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, हमारे प्रशासन ने और पुलिस ने और अधिकारियों और कर्मचारियों ने हर उस घर तक पहुंचने की कोशिश की जिसको इस त्रासदी में जख्म मिले। हमने कोशिश की कि उनसे दुख दर्द बांटा जा सके, उनके पीड़ा को जो है शेयर किया जा सके, उनके आंसू जो है उनको पहुंचा जा सके। तो कुल मिला के जो लोगों के, सबसे बड़ी बात है जो लोगों के मकान गए हैं, जीवन में मकान या आवास का सपना हर व्यक्ति संजोता है, और अगर वही सपना उनका टूट जाए, और किसी का भी हो, कोई जो लाइफ टाइम पूरा जीवन लगा के, पूरे जीवन की पूंजी लगा के लोग जो है जब मकान बनाते हैं, या जो पुश्तैनी घरों में रह रहे थे 100-100 साल से, 200-200 साल से उनके परिवार रहते आए थे, जब वो घर जो है उनके हाथ से निकले और तो उनकी मानसिक स्थिति का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी पीड़ा हुई होगी। और हमने उनसे बात की कि जीवन बच गया। कांगड़ा में सबसे बड़ी बात है कि मेजॉरिटी हाउसेज जो कलेप्स हुए, 400 के आसपास जो पूरे तरह जो है धराशायी हो गए, और 1300 टोटल जो है कोई पार्शली डैमेज हुआ या फुल्ली डैमेज हुआ, लेकिन 400 तो पूरी तरह डैमेज हो गए। अगर आप उनको जाके अगर आप देखें जगह जगह, उनको देख के कि क्या इन इसमें लोग बचे होंगे, क्या कोई इसमें बच सकता है, लेकिन कांगड़ा में टोटल कैजुअलिटी 9 हुई है, और इसको इस लेवल पे मिनिमाइज करने में जिला के लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने बहुत सहारा दिया एक दूसरे को, और एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बड़ा रोल है कि मौके पे समय पे पहुंच के उनको मदद की है, मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। और इसी प्रयास के चलते लगभग 3000 लोगों को कांगड़ा प्रशासन जो है रेस्क्यू कर सका है। 3000 लोगों को, संकट में फंसे लोगों को
बाहर निकाला है कांगड़ा प्रशासन ने और पुलिस ने, और इसके अलावा लगभग फौरी राहत के तौर पे 4 करोड़ से ज़्यादा राशि जो है यहाँ पे वितरित की गई है, और अभी भी रिलीफ कैंप्स में 500 के आसपास लोग रह रहे हैं, जिनको निगरानी जो है सरकार कर रही है, उन तक खाना पहुंचाने की कोशिश हो रही है। और ये अब अलग विषय है कि भूवैज्ञानिक इस स्थिति का आकलन करेंगे कि आखिर कांगड़ा के पहाड़ क्यों दरक रहे हैं, क्यों इतनी बड़ी बड़ी दरारें, जो अगर आप मौके पे जाके देखें कि जो खाई पड़ी है या दरारें आई हैं या मकान पूरी तरह नष्ट हो गए, और तो ये तो अब सब लोग अपने अपनी तरह से आकलन कर रहे हैं। अभी हम उस पोस्टमार्टम में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारा सारा ध्यान रिलीफ एंड रेस्टोरेशन पे केंद्रित है। हमारा सारा ध्यान जो है उस आदमी तक पहुंचने की है या जिसको इस त्रासदी से जख्म मिले हैं, तो इसलिए सारी हमारा कंसंट्रेशन, हमारा फोकस राहत एवं पुनर्वास कार्यों पे लगा है। और जाति बरसात में भी कोई नुकसान ना हो जाए उसके लिए भी हम पूरी तरह सजग हैं और पूरी तरह हम अलर्ट हैं कि स्थितियों का आकलन कर रहे हैं। और आज की तारीख में हम हर घर तक पानी देने में कामयाब हो रहे हैं, हालांकि हमारी बहुत बहुत भारी नुकसान हुआ है डिपार्टमेंट का, जल शक्ति विभाग की स्कीमें, क्योंकि पानी के नज़दीक हैं और नदियों में हैं, तो हमारे सोर्स बह गए हैं, हमारे पंप बह गए हैं, हमारी पंपिंग मशीनरियां बह गई हैं, बड़ी बड़ी स्कीमें डैमेज हो गई हैं। 2000 करोड़ से अधिक का आकलन तो डिपार्टमेंट ने लगाया है, तो उसके बावजूद भी हम हर घर तक पानी पहुंचाने में का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें हमारे कांगड़ा जिला के एक अधिकारी जो है नदी में बह गए और उनकी जान चली गई, हम उनके आवास पे भी जाके आए हैं। और उसके अलावा जो कांगड़ा से जो पुलिस के जवान बह गए थे वहाँ पानी चंबा में, जिनकी जान चली गई, 2 लोगों के घर में हम जाके आए हैं, 2 लोगों के घर में आज हम जा रहे हैं। और जिन लोगों ने पूरी जुनून के साथ सेवा में अपना जीवन दे दिया, उनके परिवार तक भी हम पहुंच बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है, और ये नुकसान जो हम आकलन करते हैं तो ये वो नुकसान है जो हमारे पुलों का हुआ, हमारी सड़कों का हुआ, हमारी स्कीम्स का हुआ, इसमें वो नुकसान शामिल नहीं है जो कि जैसे हमारे होटल्स लगने थे उससे जो टैक्सेस आने थे प्रदेश को जो नुकसान हुआ, या एक्साइज का जो नुकसान हुआ, या जो है पेट्रोल की बिक्री से जो नुकसान हुआ, वो अभी बिल्कुल इसमें जोड़ा नहीं गया है। ये नुकसान सिर्फ वो है जो संपत्ति का नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ, और लोगों ने भी हमारी हिमाचल प्रदेश की मदद की है, पब्लिक मदद कर रही है और राज्यों ने भी मदद की है, लेकिन कुल मिला के हमारे जो इस ज़िले में अब लोगों को पुनर्वास करने का मसला है,
जो लोगों जिन लोगों के दिलो दिमाग में खौफ आ गया कि हमारे यहाँ पे रहना जोखिमपूर्ण है, वो उनको कहाँ बसाया जाना है, एक इस पे काम होना है। और दूसरा कुछ लोगों का ये कहना है कि हमारे पशु हैं उनको हम कहाँ लेके जाएं मैं, और वो और जो उनकी ज़मीनें हैं जहाँ खेत वो खेती कर रहे थे, तो उनको अल्टरनेट ज़मीन कहाँ दी जाए। इस पे नीतिगत फैसले जो हैं सरकार को करने हैं, क्योंकि अगर तो सिर्फ मकान बनाना हो तब ज़मीन देना एक अलग बात है, लेकिन लोगों की खेती की ज़मीन भी चली गई है, मकान भी चला गया है, और वो लैंड जो है अनसेफ भी डिक्लेयर कर दी गई है कि वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, और फिर भी उनके लोगों के पशु वगैरह वहाँ पे हैं। तो इस बारे में निर्णायक कॉल सरकार लेगी और फैसला करेगी कि इन लोगों के पुनर्वास के प्रति हम पूरी तरह कमिटेड हैं, सरकार पूरी तरह कमिटेड है कि जिन लोगों को जख्म मिले हैं उनको हम किस ढंग से बसा पाएँ, किस ढंग से एक तो जो फौरी राहत दी गई है, एक जो उनको मकान देने के लिए जो जो आवास का पैसा होता है वो दिया जाना है, या फिर उनको वैकल्पिक ज़मीन देनी है, वो सारा पैकेज वर्कआउट करके हम लोगों की सरकार मदद करने के लिए कमिटेड है। और मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि हमने जैसे जल शक्ति विभाग में मैंने देखा कि नदियों में जाके उफनती नदियों में जाके काम कर रहे थे, वहाँ जाके बेल्डिंग कर रहे थे, और आखिर उनके घर में भी पति पत्नी है, उनके घर में भी बच्चे हैं, उनके घर में भी माँ बाप हैं जो लोग आपको पानी मुहैया करवा रहे हैं। तो बहुत बहुत लोगों ने ये जो कार्य किया है, जैसे ये समय निकलता है उसके बाद जिन प्रदेश के कर्मचारियों ने जिन कर्म ऑफिसर्स ने जान हथेली पे रख के काम किया है उनको सम्मानित करने के भी हम कार्यक्रम चलाएंगे प्रदेश में, क्योंकि हमने देखा है कि लोगों ने जान की परवाह किए बगैर, कोई जेसीबी में जाके काम कर रहा है, कोई जो है नदी में जाके काम कर रहा है, कोई खंभों पे जो है दो दो घंटे बैठ के काम कर रहा है, कहीं उन्हें नदी से लोगों को निकालने के लिए हमारे पुलिस वालों ने काम किया है, होमगार्ड वालों ने काम किया है, दूसरे जो डिपार्टमेंट्स के लोगों ने काम किया है। हर डिपार्टमेंट्स के ऐसे लोगों का भी हम चयन करेंगे जिन्होंने त्रासदी में अपने जान जोखिम में डाल के सेवाएं दी हैं। तो इसलिए यहाँ पे जितना जानी नुकसान को मिनिमाइज किया जा सकता था वो कांगड़ा प्रशासन ने किया है, और NDRF SDRF या दूसरे हवाई सेवाएं जो भी इस्तेमाल करके किया जा सकता था वो सारा किया गया है, और हर तरह की सेवाएं हम बहाल करने में सफल हैं, चाहे हमने वो आंशिक की हो, अल्टरनेटिवली की हो, या किसी भी ढंग से की हो, वो हमने की हैं। और लेकिन ये ज़रूर है कि कांगड़ा में पहाड़ियों का दरकना एक चिंता का विषय है, एक नया मामला जो है ये पेश आया है जिसमें कि मौके पे जाके पता लगता है कि किस ढंग से मकान जो है टूटे हैं, मकान ही नहीं टूटे हैं, लोगों के दिल टूटे हैं, और बहुत बड़े जैसे हथौड़े की मार जो है उनके दिलो दिमाग पे पड़ी है। तो हम हिमाचल की उन उस जनता के साथ हैं, और हर तरह से जो भी संभव मदद होगी वो हम करेंगे। ये मौसम
चला जाएगा, लेकिन जो ये जख्म है बहुत गहरे जख्म है। और लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार अपनी जनता के साथ खड़ी है और कांगड़ा में जो भी करने का होगा, खासतौर प्रदेश में जो भी करने का होगा, लेकिन क्योंकि कांगड़ा का हम दौरा कर रहे हैं, कांगड़ा को हमने रिव्यू किया है, तो वो सब कुछ हम करेंगे जब तक इन लोगों का पुनर्वास नहीं हो जाता, जब और जब तक राहत का कार्यक्रम पूरा नहीं हो जाता। सर, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि सरकार जो आंकड़े पेश कर रही है ना, वो आंकड़े जो वो सही नहीं है। देखिए, हम ये चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के में बहुत बड़ी त्रासदी हुई है और पूरा प्रदेश इसकी जद में है। कुल्लू मनाली में बहुत नुकसान हुआ और ब्यास बेसिन पे बहुत नुकसान हुआ है और प्रदेश में लगभग 400 लोगों की जानें चली गई हैं, 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो इस समय ये राजनीति का विषय नहीं है। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि ये कोरोना से भी भयानक मंजर जो है हिमाचल प्रदेश ने देखा है। जिस कोरोना की वो पूर्व सरकार बात करती रही है, इसमें तो बस्तियों की बस्तियां उजड़ गई, मोहल्ले के मोहल्ले उजड़ गए, नगर तबाह हो गए। तो इसलिए हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। हमें हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो मैंडेट दिया है, हम उस मैंडेट के मुताबिक हर आंख उस व्यक्ति तक पहुंच बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारा राजधर्म है, जिसके लिए लोगों ने हमें सत्ता में बिठाया है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है कि कुछ और किया जाना है तो वो बता सकते हैं। हम हर वो कदम उठाने के लिए तैयार हैं जो हिमाचल प्रदेश की जनता के हित में है और जो रिक्वायर्ड है। वैज्ञानिक सर्वे की और पहाड़ियां दरकने की, कांगड़ा खास करके, क्योंकि अलग अलग हिमाचल के हिस्सों में अलग अलग ढंग के नुकसान सामने आए, लेकिन पूर्व में हिमालयन इंस्टीट्यूट, बाड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन स्टडीज, देहरादून और रुड़की के भू वैज्ञानिकों ने जो सर्वे की और चेतावनियां दी, जिसकी रिपोर्ट हिमाचल सरकार, जिला प्रशासन के पास कई वर्षों से पड़ी हुई, उन पर अमल नहीं हो पा रहा। तो नए सर्वे और नए सजेशन, सुझाव अगर भू वैज्ञानिक देते हैं तो उसको किस तरह। तो देखिए, मैंने डिप्टी कमिश्नर से सुबह भी बात की, ये जो हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, एक तो वो देख रहे हैं, लेकिन मैंने इनको सजेस्ट भी किया है कि आप कोई बड़ी एजेंसियां हायर करें, जिससे कि पहाड़ों की नेचर और जो स्थितियां पैदा हुई हैं उसके बारे में एग्जैक्ट रिपोर्ट जो है हमारे सामने आ जाए, विश्लेषण होके। कई जगह नुकसान तो बादल फटने से हुआ, फ्लैश फ्लड से हुआ, या नदियों में पानी ज़्यादा आने से हुआ, या फिर डैमों का पानी छोड़ने से हुआ, वो एक अलग मसला है। लेकिन ये क्या सिर्फ कांगड़ा की जो पहाड़ियाँ एक ही पैटर्न पे जो दरकी हैं, ज्वालामुखी में भी हमने देखा, नूरपुर में भी देखा, ज्वाली में भी देखा, असूला में भी, ये जो पैटर्न सेम है, क्या ये सिर्फ लगातार बारिश के चलते सैचुरेशन से पहाड़ियाँ बोझ नहीं उठा पाई उस वजह से हुआ है, या कि कोई इसके और साइंटिफिक कारण है? तो इसका जहाँ जहाँ ये हुआ है उसका एनालिसिस करवा के ही आगे के कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। सर, राज्य में बजट का क्या प्रावधान है? केंद्र सरकार की क्या मदद रही है? प्रदेश सरकार कैसे खर्च कर रही है? राहत कोष से कितना खर्च किया जा रहा है? ये देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि राहत के लिए पैसे की कोई कमी नहीं,
हम अपने संसाधनों से जो कुछ भी संभव है वो लगा रहे हैं। और मैंने तो खुद समीक्षा की है, जहाँ जहाँ ये पहाड़ियाँ दरकी हैं, जहाँ लोगों के हाउस तबाह हुए हैं, वहाँ मैं खुद जाके भी वहाँ पर पता किया है कि क्या प्रशासन की मदद आप तक पहुँची है। तो जो शुरुआती मदद जो 1.25 लाख रुपया या 1,30,000 रुपया जो भी मुहैया करवानी है वो हर जगह पहुँची हुई थी। अगर कुछ को तो मैंने अपने हाथों से दी, कुछ को जो है हमने डिप्टी कमिश्नर के ध्यान में लाया तो इन्होंने वेरी नेक्स्ट डे उनको मदद पहुँचाई है। तो इसलिए जो राहत दी जानी है वो हम दे रहे हैं। और सारा देश देख रहा है कि हिमाचल प्रदेश पे क्या संकट आया है, और उस संकट के चलते सब लोगों ने मदद के हाथ बढ़ाए हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा घर होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, चाहे कहा कुछ भी जाए बोला कुछ भी जाए, जो लोग इसकी चपेट में आए हैं वो आज सरकार को अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो उन लोगों ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि सरकार हमारे घर द्वार तक पहुंची है। घंटों नदियों और नालों के किनारे जो निजी भूमि है उस पर फिलहाल कोई नियम नहीं है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, भवन बनाने के लिए, तो भविष्य में कोई योजना तैयार की जाएगी सर? जिस तरह नहीं, देखिए कोई भी त्रासदी अपने पीछे जो है काफ़ी सवाल छोड़ जाती है, और ये त्रासदी भी अपने आप में एक विचित्र त्रासदी है। और उसके चलते कई तरह कुछ लोग जो डैम्स हैं उन पे सवाल उठा रहे हैं, कुछ तो कह रहे हैं कि जी ये जो अलर्ट होना चाहिए था उसको लेके सवाल उठा रहे हैं, पानी डैम से छोड़ा गया उससे नीचे की पंचायतों को फतेहपुर या इंदौरा वगैरह को तो नुकसान हुआ ही है, उसमें तो स्पष्ट है। और नेशनल हाईवे को अरबों का नुकसान हुआ है, कुल्लू से मनाली नेशनल हाईवे पूरी तरह गायब है, मंडी से ये जो 4 लेन जो बना है, अब ये 4 लेन वाले भी इसका अध्ययन कर रहे होंगे कि आखिर पूरा ही वॉश आउट कैसे हो गया। हमारा शिमला कालका शिमला कभी बंद नहीं हुआ था, लेकिन इस दफा जो है तो 4 लेन को करने की वजह से कालका शिमला बंद हो रहा है, बार बार बंद हो रहा है, और उसको बहुत नुकसान पहुंचा है। पहाड़ काटे गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि पहाड़ बेतरतीबी तरीके से काटे हैं नेशनल हाईवे बनाने के लिए। और जब हम मेरे पास इंडस्ट्री डिपार्टमेंट था उसमें भी मैंने ये कहा था कि ये पहाड़ों का कटान सही नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ ठेकेदारों ने लालच में आके उन्हीं पहाड़ों से पत्थर निकाला और उस पत्थर से सड़क भी बनाई, रिटेनिंग वाल भी लगाई, नीचे के डंगे भी लगाए, और बाहर जहाँ सड़कें बन रही थी वहाँ के लिए भी पत्थर बेच दिया। ये तो रिकॉर्ड की बातें हैं, क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश के पहाड़ जो हैं वो शैशव काल में हैं, कोई बहुत पक्के पहाड़ नहीं है और बहुत पुराने पहाड़ नहीं है। तो इसलिए जो है जिस तरीके से निर्माण हुआ उससे उनको नुकसान तो हुआ ही है। तो चाहे उनका कटान था, चाहे 4 लेन का निर्माण था, चाहे डैम्स की बात आ रही हो, चाहे नदियों के किनारे बसने की बात आ रही हो, अब तो पूरे देश के भी सारे चैनल्स पे, मीडिया में, देश विदेश में आज हिमाचल की चर्चा हो रही है और कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। हिमाचल सरकार भी ये सारी परिस्थितियों का अध्ययन करेगी, क्योंकि आप देखें कि शिमला में एक मंदिर के में ऊपर फ्लैश फ्लड आने से 20 लोगों की जान चली गई, उसके बाद साथ ही पागली में एक मकान पे पेड़ गिरने से 5 लोग चले गए,
कृष्णा नगर में जो है पहाड़ी धरकने से ऊपर से मकान गिरने पे स्लॉटर हाउस पे वहाँ दो आदमी चले गए। चंबा में एक गाड़ी पे जो है पत्थर गिरने से हमारे 6 जवानों सहित 7 लोगों की जान चले गई। ऊपर मंडी के पराशर में 7 लोगों की जान चली गई। और ऐसे ही जो है पांवटा साहब में 5 लोग जमीन के नीचे दब के मर गए। हर जिले में अभी 50 के आसपास लोग मिसिंग हैं, 400 के आसपास लोगों की जान चली गई है पूरे प्रदेश में। और पहले दौर में वो कुल्लू मंडी की तरफ आया, फिर उसके बाद अगले डिस्ट्रिक्ट्स में भी आया। तो हर जगह नुकसान हुए हैं, हर जगह इस बात की चर्चा हो रही है। इन सब चीज़ों का तो आकलन आने वाले समय में किया जाएगा। फिर भी मैं ये कहूँगा कि कांगड़ा प्रशासन ने, कांगड़ा पुलिस ने, कांगड़ा के हमारे ऑफिसर्स ने सर्विसेज भी बहाल की हैं, डेथ्स को भी मिनिमाइज किया है और लोगों तक पहुंचने का भी प्रयास किया है। और अब जो थोड़ी बहुत सड़कें जो खोलने को पड़ी हैं या जो पुल बनाने को पड़े हैं वहाँ आने वाले इसमें में काम करेंगे। अभी भी डिप्टी कमिश्नर ने मनरेगा से भी अभी 60 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स और सेंक्शन कर दिए हैं, और ताकि जो शुरुआती दौर में लोग काम शुरू करने हैं रिलीफ के वो भी शुरू हो जाए। तो बाकी जो भी पैसे की ज़रूरत होगी ज़िले में उसको पूरा करने में कोई रिसोर्स को हम आड़े नहीं आने देंगे। सर इसी से रिलेटेड एक और सवाल है कि शहरी क्षेत्रों में, क्योंकि राजनीति में हम लोगों ने देखा कि बहुत मंजिला इमारतें हैं, 2-2 मंजिला इमारतें भी गिरी हैं, तो शहरी क्षेत्रों में तो रेगुलेटरी एक्ट है लेकिन गाँव में नहीं है, और गाँव में आज भी धड़ल्ले से 2 मंजिला इमारतें बन गई हैं चाहे वो किसी से भी संबंध में। तो क्या गाँव में सर भविष्य में देखा जाएगा कोई नीति, कोई कानून को देखिए भारत गांव में बसता है और गांव में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा सकती। ये तो आज की स्थिति देखते हुए ये सारे सवाल उठ रहे हैं। जैसे ही स्थिति सामान्य होगी आपने देखना कि जब नॉर्मल लाइफ आ जाएगी तो, और मैं वैसे भी कहना चाहूँगा कि ठीक है त्रासदी के आकार को देखते हुए ये सब सवाल आप लोग कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के गांव को किसी बंधन में नहीं बांधा जा सकता। केंद्र सरकार के